ये जगह जगह ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं, ये आप लोगों की नजरों में कैसा कदम है ये? सर बढ़िया कदम है और पकड़े जाए ये लोग ज्यादा अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सर ये भरपाई करें, क्योंकि फैला रहे हैं ना ये लोग जो फर्जी, वो सब ठीक रहे और क्या, सब वही हो जाए और क्या। कोर्ट ने कहा है कि आज इन सब इनकी सुनवाई करेंगे कि आखिर किस नियम के तहत इनको इनके पोस्टर टांगे गए? सर अब ये पकड़े गए होंगे दंगे में, तभी तो इनका पोस्टर टांगा गया है। आपके हिसाब से ठीक हुआ है? हाँ जी सर, हमारे हिसाब से ठीक हुआ है। जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं उपद्रवियों के, ये कैसा कदम है? ये बहुत बढ़िया कदम है और अच्छा है, इससे आदमी समझ जाएगा कि मतलब ठीक रहेगा। आपको क्यों लगता है ये ठीक किया सरकार ने ऐसे पोस्टर लगा करके? सरकार ने इस तरह पोस्टर लगाए कि दोबारा कोई मतलब इस तरह कदम ना उठाए और शर्मिंदगी महसूस करे। जी, नेम एंड शेम करके इसका नाम दिया गया है कि ऐसे लोगों के चेहरे टांग दिए जाएं। आपको लगता है ठीक है? ठीक है, बहुत सही है। क्यों? क्योंकि आगे चल के ऐसा ना हो, आगे की वो प्रोसेस का अच्छा वो हो, यही है सब। अच्छा ये बताइए कि ऐसे लोगों के नाम, पते, चेहरे, घर तक का पता डाल दिया गया है, तो ऐसे लोग असुरक्षित भी तो होंगे अगर इस तरीके से करेंगे तो? जी यार, सुरक्षित तो जरूर होंगे, लेकिन आदमियों की नजर में ढके ढके फिरेंगे। अब कोर्ट कह रहा है कि सुनेंगे कि आखिर किस नियम के तहत किया गया है, ये गलत हुआ है? गलत तो नहीं हुआ है, जो इस तरह किया है सही ही होगा। ये बताइए, इस तरह से नाम और चेहरे टांगे गए हैं, ये 19 दिसंबर को जिन लोगों ने उपद्रव किया था वो ऐसे उन लोगों के नाम टांगे गए, आपको क्या लगता है ठीक है कि गलत? बिना किसी सबूत के, ठोस सबूत के पुख्ता जो है ऐसा करना गलत है, क्योंकि जो है इससे इन लोग का नाम खराब हो रहा है। और मान लीजिए जो इसमें शामिल नहीं है, जो उपद्रवी शामिल है वो तो निकल गए करके, हो सकते इसमें कई ऐसे हो जो शामिल ना हो, जबरदस्ती उनको फंसाया गया हो, तो एक पुख्ता सबूत पहले इकट्ठा किया जाए जिससे कि इनकी बदनामी ना हो, इनके करियर पे कोई दिक्कत ना हो। इससे जो है समाज में फालतू इनका नाम खराब होगा, चार लोग जो और हैं जानने वाले वो भी कहेंगे कि जो है नहीं इन्होंने किया है ना, एक अलग नजरिए से देखने लगती है भीड़, एक धर्म अलग नजरिए से देखने लगता है। इसीलिए ऐसे पब्लिक सिटी करके नहीं होता है, आप पुख्ता सबूत लीजिए फिर आंतरिक कार्रवाई कीजिए, वो एक डिपेंड होता है अच्छे से। आज हाईकोर्ट इन पर सुनवाई भी करने जा रहा है कि आखिर किस कानून के तहत इनके पोस्टर लगाए गए? नहीं, हाईकोर्ट का कुछ अभी अभी आया है 5-10 मिनट पहले, उसमें था कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक झटका लगा है, उसको नोटिस दी गई है यूपी सरकार को कि जो है इस पे पहले जांच हो, कार्रवाई हो, पहले जांच हो उसके बाद कार्रवाई हो। ऐसे पोस्टर लगा के किसी को जो है वो करना ये ठीक नहीं, उचित नहीं है।